धौलपुर में मंगलवार को निकलेगी भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर शहर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा संयोजक मुरारी लाल सिंघल ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा धौलपुर शहर को भगवा ध्वज एवं भगवा पटकाओं द्वारा सजा दिया गया है। शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन के साथ सभी राम भक्त ध्वज लेकर जय श्री राम के साथ शोभा यात्रा को भव्य बनाएंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची पुराने शहर से शाम 4 बजे प्रभु श्री राम की आरती के साथ प्रारंभ होगी, जहां से सभी राम भक्त अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर एवं महिलाएं सिर पर भगवा पगड़ी लगाकर जय श्री राम के जयकारों के साथ चलेंगे। शोभा यात्रा पुराना शहर, हरदेव नगर, लाल बाजार, सब्जी मंडी, धूलकोट, संता रोड, बजरिया होते हुए गडरपुरा राम मंदिर पर समापन होगी, जहां भव्य आतिशबाजी एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा। कल राम श्री राम के जन्म अवसर पर महात्मा नंद की बगिया से पुराने शहर से ये यात्रा राम की हमारी प्रारंभ होगी और इसमें मेरा आग्रह है कि सभी जिलेवासी, माता बहनें, भाई बुजुर्ग और नवयुवक इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। श्री भगवान राम का जो क्या है अच्छी यात्रा निकलेगी और आप लोग आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।